आज हम बनाने वाले हैं फ्लेवर्ड पनीर। सिंपल पनीर तो आप सभी ने खाया होगा, कई सब्जियों में ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्लेवर्ड पनीर ये कुछ नई कंसेप्ट है। फ्लेवर्ड पनीर भी आप सैलड्स में खा सकते हो या फिर सब्जी में भी डाल के खा सकते हो। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहले तो मैंने 1 लीटर यहाँ पे दूध लिया है। अगर आप डाइट पे हो तो आप लो फैट दूध भी ले सकते हो, यानी काऊ का मिल्क भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर का दूध और इसमें थोड़ा सा उबाल, जैसे आपको समझ में आता है कि ये अभी आने वाला है तो उसी टाइम पे हम डालने वाले हैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। इसे आप ओरिगेनो के बाद हम डालने वाले हैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। ये सारे चटपटे फ्लेवर से थोड़ा सा इटालियन फ्लेवर आने वाला है हमारे पनीर को, और हम इसमें सभी इसमें अभी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा हम गैस का जो फ्लेम है वो बढ़ा देंगे क्योंकि अभी उबाल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अब देखो उबाल आ रहा है, इसी टाइम पे हम थोड़ा सा गैस का फ्लेम लो करेंगे और हम इसमें डालने वाले विनेगर। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, लेमन जूस भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे विनेगर डाल रही हूँ। कोई भी वाइट विनेगर लीजिएगा, आप एप्पल साइडर या फिर चिली विनेगर मत यूज़ करिएगा इसमें, वाइट विनेगर ऑल इस्तेमाल हो जाता है अच्छे से। देखिए फिर से उबाल आ रहा है। तो करीबन 1 लीटर दूध के लिए मैंने 1/2 कटोरी विनेगर डाला है इसमें। अब इसे धीरे धीरे अच्छे से साइड्स को जो भी क्रीम चिपक गया है, दूध चिपक गया, उसको अच्छे से हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे धीरे धीरे, और यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है वो हम बंद कर देने वाले हैं और इसी स्टेज में हम उसे थोड़ी देर रखने वाले हैं क्योंकि सारी जो प्रोसेस है वो मिल्क में अच्छे से घुल मिल जाए और पनीर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आउट हो जाए। तो देखिए ये मैंने थोड़ी देर रखा है और फिर हम अभी इसको एक मसलिन के कपड़े में डाल के इसको बांधने वाले हैं। दोस्तों ये जो पानी आप देख रहे हैं वो चाहे तो आप जैसे पराठे बनाते हो उसी टाइम वो डो बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, फेंकिएगा मत ये पानी। और ये जो मैंने डाला है ये मैंने ठंडा पानी डाला है क्योंकि जो प्रोसेस है पनीर बनाने की वो तो अभी ख़त्म हो चुकी है और उसे इंस्टेंट ख़त्म होने के लिए मैंने ये ठंडा पानी डाला है। हमारा पनीर अच्छा सॉफ्ट एकदम दुकान में जैसे मिलता है वैसे ही, डेयरी में मिलता है वैसे ही बनेगा। अब इसको आप अच्छे से शेप देने के लिए, थोड़ा सा मोटा आने के लिए हम एक मसलिन क्लॉथ में डाल के इसके ऊपर एक वेट रखने वाले हैं। आप कोई भी वेट वज़न रख सकते हो, वो वज़न ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये अच्छे से प्रेस हो जाए और इसमें का जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। देखिए अब तकरीबन 2-3 घंटे होने के बाद ये कुछ इस शेप में फॉर्म हो जाता है। देखिए ये अपना फ्लेवर्ड पनीर का जो ब्लॉक है वो एकदम तैयार है, एकदम सॉफ्ट है। अब इसे हम कट करते हैं। अब आप इसमें चाहे जो शेप में आपको कट करना है, क्यूब्स में कट करना है, लॉन्ग क्यूब में कट करना है, रेक्टेंगुलर शेप में कट करना है, तो आप जो चाहे वो कट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा ये और भी रेसिपीज़ है, आप ज़रूर मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करिएगा और जो भी आपको अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा। ये भी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे भी लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपीज सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ, मेन यानी दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट बन चुका है अपना।